गाड़ी अभी यहाँ पे पार्क कर दी है हमने, आगे जाना ज़्यादा। ये है कल्पी का बाजार जुलाइटी, सभी की सभी मार्केट बने यहाँ पर, क्योंकि यूपी में दो दिन का, हर हफ्ते दो दिन का लॉकडाउन कर दिया गया है। तो अभी हम आ चुके हैं कालपी के एक ऐसे इलाके में जहाँ पर जंगल का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। और ये बीहड़ जो है यहाँ पे कहा जाता है, इस ऐसे बीहड़ों में डाकू डकैत रहते थे पहले, और बाबा मुस्तकीम और फूलन देवी वगैरह भी यहीं पर अपना डेरा जमाया करते थे कभी किसी ज़माने में। तो अभी मैं और दिखाता हूँ आपको, नीचे चलते हैं। ठीक है, नीचे चल के दिखाता हूँ मैं। चलते हैं यमुना नदी दिखाते हैं, वो दूर सामने आपको यमुना नदी दिख रही है जो आप देख सकते हैं, और उसके नीचे हम लोग चलते हैं। और ये नदी का नजारा आप लोग देख सकते हैं। गाड़ी अभी यहाँ पे पार्क कर दी है हमने, आगे जाना ज़्यादा रैप है वहाँ पर, तो इसलिए गाड़ी मैंने यहीं पे पार्क कर दी है। अब आगे चल के आपको दिखाते हैं चल के वहाँ का नज़ारा। अभी मैं आ चुका हूँ माधव जी घाट और ये राधा जी घाट, तो यहाँ पे आ गया हूँ मैं। यहाँ पे एक टेंपल आपको दिख रहा होगा, येलो कलर का टेंपल दिख रहा है, काफ़ी मशहूर टेंपल है यहाँ पे। और ये वाइट कलर का टेंपल दिख रहा है जहाँ पे पुजारी जी बैठे हुए हैं, और वैसे ही मेरे आजू बाजू में ये घाट है, ये और मिट्टी के टीले हैं। बाकी इसके और दिखाता हूँ मैं, और ये नदी नदी जो कि यमुना रिवर है, यमुना रिवर के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग। तो आगे मैं और दिखाता हूँ, और जहाँ तक मेरे पीछे है वो ब्रिज दिख रहा है, दो ब्रिज ट्रक वाले हैं और एक रेलवे ब्रिज, और मैं नीचे उतार के दिखाता हूँ आपको। ये यमुना नदी का खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यमुना नदी का। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए, आप लोग देखिए। ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको, ये तीन ब्रिज हैं, एक रेलवे ब्रिज है और बाकी दो ट्रक बसेस वगैरह का ब्रिज है, जो कि झांसी और कानपुर को जोड़ता है ये। और उसके आगे ये आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा पहाड़ टाइप का दिख रहा है, और इसके ऊपर से अभी मैं आया हूँ उतर करके वहाँ से। बीच में एक टापू जैसा है, वहाँ पे कुछ लोग हैं। काफ़ी अच्छा सीन है ये। मैं आ चुका हूँ यमुना नदी के बिल्कुल समतल नीचे।
काफ़ी अच्छा ब्रिज यहाँ से दिखाई देता है। तो यार अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब भी करते जाइए प्लीज़ दोस्तों, मुझे सपोर्ट करिए। ये है मेरे दोस्त का बेटा हसन। और चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।